देश में आज तक के सबसे बड़ा बैंक घोटाले का खुलासा हुआ है। यह घोटाला 10-20 हज़ार करोड़ का नहीं बल्कि 34,615 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड DHFL के पूर्व CMD कपिल वधावन और निदेशक धीरज वधावन के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों भाइयों ने मिलकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में 17 बैंकों के समूह को 34,000 करोड़ से ज़्यादा का चूना लगाया है। इससे पहले ABG शिपयार्ड का 22,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। वहीं नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपए चुकाए बिना ही देश छोड़कर भाग गए थे। CBI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर केस दर्ज किया है। UBI की शिकायत के मुताबिक DHFL ने 2010 से 2018 के बीच यूनियन बैंक की अगुवाई में 17 बैंकों से 42,000 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया था, जिसमें से 34,615 करोड़ रुपए बकाया है। 2019 में कर्ज को NPA गैर निष्पादित संपत्तियां और 2020 में धोखाधड़ी घोषित किया गया था। बैंक ने आरोप लगाया है कि कपिल और धीरज वधावन ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश के तहत तथ्यों को छुपाया और गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने विश्वासघात करते हुए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। इसके साथ ही आरोप है कि DHFL उन कामों में पैसा नहीं लगाती थी जिसके लिए वो बैंकों से कर्ज लेती थी, बल्कि इन फंड्स को एक महीने के थोड़े समय के अंदर ही दूसरी कंपनियों में भेज दिया जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के दौरान ये भी पाया गया कि लोन का पैसा सुधाकर शेट्टी नाम के एक शख्स की कंपनियों में भी भेजा गया। साथ ही ये पैसा दूसरी कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर में लगाया गया। जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि लोन का पैसा 65 से ज़्यादा कंपनियों में भेजा गया। इसके लिए बाकायदा अकाउंट बुक में फर्जीवाड़ा किया गया। बुधवार को इस मामले में CBI ने मुंबई में 12 ठिकानों पर छापेमारी की। CBI के 50 से ज़्यादा अधिकारियों की टीम ने दस्तावेज खंगाले और सबूत जुटाए। CBI ने छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। वहीं इस मामले में CBI ने DHFL के पूर्व CMD कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन, सुधाकर शेट्टी सहित अन्य कंपनियों गुलबर्ग रिटेलर्स, स्काई लॉर्ड, बिल्कॉन, दर्शन डेवलपर्स, टाउनशिप डेवलपर समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि कपिल और धीरज वधावन पहले से ही जेल में हैं। दोनों को यस बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI और ED के केस के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2021 में पीरामल ग्रुप ने DHFL को खरीद लिया था। पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने संकट के दौर से गुजर रही कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 38,050 करोड़ रुपए में खरीदा था। साथ ही DHFL के कर्जदाताओं को 34,250 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।